नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय निर्देश और मेरे साथ मुखिया प्रतिनिधि हरक प्रसाद जी बने हुए हैं। यानी हम बात करेंगे हरक प्रसाद जी से कि पंचायत में इस बार जनता फिर से चुनने जा रही है। यह हम नहीं, यह कि जनता बता रही है कि एक बार फिर से हरक प्रसाद जी का विकास को देखते हुए वोट होगा। और पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है और जनप्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हरक प्रसाद जी। कुछ इनसे बातें कर लेंगे, आखिर इनकी जनता इतना चाह क्यों रही है। डर है, 5 सालों का विकास की बात की जाए तो हम बात करेंगे इनसे। बहुत बहुत स्वागत है भैया। 5 साल की बात की जाए तो कितना विकास हुआ है? ग्रामीण काफ़ी उत्साहित हुए हैं। मेरे यहाँ 16 वार्ड है, 16 वार्ड में सभी को जल नल चालू कर दिए हैं और जितना भी फंडिंग आया है तो जहाँ जहाँ ज़रूरत है लगभग उसको पूरा किया है जी। आवास से लेके गली नली तक सब काम किया है। आवश्यकता अनुसार जनता को जो भी मांग रहती है लगभग पूरा करते हैं और जनता से प्रतिदिन सुबह शाम रात जुड़ के रखते हैं। किसी के घटित घटना, दुख सुख, अस्पताल, शिक्षा संबंधी हर चीज़ पर हम उपस्थित रहते हैं और मेरे दरवाज़ा पर या कहीं भी जनता हमारी मतदाता करती है तो अपना आदर के साथ, मान सम्मान के साथ इज्जत करते हैं। इसके चलते हम जहाँ भी घूमने जा रहे हैं, अगर अकेले भी निकलते हैं तो सैकड़ों आदमी बराबर हो जाता जी। और एक दिन थोड़ा एक दिन का प्रोग्राम था तो वहाँ भी काफ़ी संख्या में लोग जुट गया। तो सब मैं व्यवहार और विकास पर मैंने मेरे साथ रहा। मुखिया जी, यहाँ की जनता काफ़ी आपको पसंद कर रहा है। कहना है कि इस बार फिर हरक प्रसाद जी की पत्नी पार्वती जी को ही मुखिया के तौर पर देखना चाहते हैं। आखिर इतना ग्रामीण को चाहने का कारण क्या हो सकता है? व्यवहार और विकास, व्यवहार और विकास मुद्दा है मेरा, यही हमको जनता चाहती है। जो सीखते हैं घटाओ नहीं सीखते हैं, सबके साथ जुट के रहते हैं, दुख सुख में साथ रहते हैं, इसी कारण से वो लोग चाहता है। बात की जाए मुख्यमंत्री जी का सबसे सफल योजना 7 नीचे योजना पर, तो 7 नीचे योजना में क्या क्या कार्य हो पाया है? 7 नीचे में जल नल, 7 नीचे में गली नली, 7 नीचे में पुल पुलिया, इस तरह के काम किए। यानी विकास की दुनिया का हमारे साथ देते हमारे जनप्रतिनिधि हरक प्रसाद जी, इनसे बात हो रही थी। मुख्यमंत्री का जो 7 नीचे योजना है, जो इसकी बात की जाए धरातल पर उतारने का, तो मुख्यधारा मुखिया जी का होता है। उस मुख्यधारा को हरक प्रसाद जी के द्वारा काफ़ी अच्छा से कार्य किया गया है। और पंचायत की बात की जाए, जनता इस बार फिर से इसे चुनने जा रही है। क्यों? क्योंकि इतनी पसंद है कि कार्य इस बार पंचायत में जो कार्य हुआ है उसको देखते हुए कार्य को जनता इस बार विकास की वोट होगा। विकास इसलिए कि पार्वती देवी की तरफ से विकास की गंगा बहा है, इसीलिए जनता ये जो सैदाबाद पंचायत की जनता है जो इस बार फिर से पार्वती देवी के तौर पर मुखिया के तौर पर देखना चाहे। हमारे सहयोगी आदर्श के साथ नीरज कुमार, विजय निर्देश पटना। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350-bedded हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा पटना।